जनाब स्पीकर, मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नुक्ता उठाया है और आज का जो लाहौर का वाकया है उस पर उन्होंने इजहार राय किया और बजा तौर पर कहा कि हमारी मशरकी रिवायात हैं और हम उन रिवायात की कदर करते हैं। मैं इस बात की तायद करता हूं। सवाल ये है कि ये वाकया पेश क्यों आया। पेशियां नैब की होती हैं, आप खुद भी पेश होते रहे हैं, दीगर कायदीन भी पेश होते रहे हैं। माजी में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। ज़रूर इसकी तहकीक होनी चाहिए कि अगर आज ये एक वाकया पेश आया तो उसकी मुजमरात क्या हैं, हकायक क्या हैं। हम तो कैबिनेट में थे, जब कैबिनेट से अभी निकले हैं तो मैंने सुना है बिल्कुल एहतराम और आदाब को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि पुलिस हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, उसे कोई इस किस्म की हरकत से कोई सासी फायदा हो सकता है या कुछ वो गेन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं गेन कर सकते और ना इस किस्म की हरकत होनी चाहिए। आपने ये नुक्ता उठाया है, इसका मालूमात हासिल कर लेते हैं कि असल हकायक क्या है और उन असल हकायक को सामने रखते हुए जो भी इसका तदारुक है वो भी किया जा सकता है कि आइंदा इस किस्म का वाकया ना हो। मकसद ये है कि उनके भी फ़राइज़ हैं और हुकूमत के भी फ़राइज़ हैं और दोनों को वो हदूद कयूद तय कर लेनी चाहिए कि उन्हें एक्सेस मिले कोर्ट में जाने की, अपना मुद्दा पेश करने की बाइज्जत तरीके से, और जो दीगर कारकुनान हैं उन्हें भी एक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। नॉर्मली पुलिस तो ऐसे वाकयात को अवॉइड ही करती है, कतराती है, जो समझदारी से काम लेना चाहे। हाँ, अहमकाना हरकत तो कोई भी कर सकता है, कोई जी शऊर आदमी इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। द ऑनरेबल मेंबर हैज रेज दिस इशू, लेट अस लुक इन टू इट, प्रोब एंड सी दैट एन इंसिडेंट ऑफ दिस नेचर इज नॉट रिपीटेड। थैंक यू।